70 above. 70 above? हाँ? क्यों 95 क्यों नहीं? उतना उम्मीद नहीं करेंगे फिर. एकदम इतना अच्छा पेपर, पहले बहुत डर रहा था लेकिन पेपर के बाद ना एकदम फाड़ के रख दिया, एकदम धुआं धुआं हो गया आज एकदम. 50 प्लस रहेंगे सर. हाँ 50 प्लस बस. नहीं सर 90 प्लस. 90 प्लस यस. हाँ ये अच्छा है. 60 प्लस कैसा है? बहुत अच्छा गया. हाँ फाड़ के रख दिए पेपर बहुत. हाँ? मस्त बन रहा है. हाँ तीन धोते हैं तो ये मस्त है. और इसमें कुछ नहीं समझ आया, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अच्छा पेपर गया है. फैंटास्टिक. हाँ यस सर. 90% यस सर. अबव अच्छा जाएगा. वो पढ़ाया गया था वहीं से आ रहे क्या बाहर से कहीं आ रहे? नहीं नहीं बाहर से नहीं, सिलेबस का ही था. सिलेबस से ही आ रहे. PCM बस इंजीनियर बनना है. इंजीनियर बनना है आपको? हमें IAS ऑफिसर बनना है. फैंटास्टिक फोर. अरे क्या, थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा मतलब पहली बार था तो उतना हमें सिंपल ही था क्योंकि हमने प्री बोर्ड दो दो दे डाले थे तो मतलब नॉर्मल ही था. कर रहे थे कि जैसे क्या हुआ, पेपर अच्छा गया है? यस सर अच्छा गया. अच्छा फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो आप लोग बोर्ड का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. देने आए थे तब कैसा लग रहा था? घबराहट थी तब बहुत डर लग रहा था लेकिन क्लास में बैठे तो बहुत सिंपल पेपर था, जैसे क्लास में होता है पेपर एकदम टेस्ट लाइक था. अच्छा जो पढ़ाया गया था वहीं से आए थे या फिर कहीं बाहर से क्वेश्चन आया? वहीं से आए थे जो पढ़ाया गया था. सब रिलेटेड था. रिलेटेड था सब. रिलेटेड था पढ़ाया गया. हाँ. तो अच्छा गया आप लोग? बहुत अच्छा. कितने परसेंट आएंगे वैसे टेंथ में? 70 above. 95 क्यों नहीं? उतना उम्मीद नहीं करेंगे फिर. 75 से above आ जाएंगे. चलो पेपर काफी अच्छा गया है. हाँ. और यही बताना चाहता था बस, इसीलिए वापस आया था. क्या नाम है आपका? शशांक शुक्ला. पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, डर तो नहीं है? नहीं नहीं डर कोई नहीं, डर नहीं है. सारे क्वेश्चन कर दिए? जी सर. OMR सीट मतलब पहली बार देखने को मिला होगा है ना? हाँ पूरी. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा था. धुआं धुआं कर दिया फाड़ कर दिया. अरे वाह. और क्या नाम है आपका? चांदनी सोनकर. चांदनी कहाँ से सेंटर आया, यहीं से हो या फिर कहीं से सेंटर? नहीं सरस्वती. अच्छा. जूनियर हाई स्कूल रावसगंज. अच्छा रावसगंज से सेंटर आया. हाँ एकदम. हाँ. इतना अच्छा पेपर, पहले बहुत डर रहा था लेकिन पेपर के बाद ना एकदम फाड़ कर दिया, एकदम धुआं धुआं हो गया आज एकदम. सबसे अच्छा पेपर मेरा गया. मेरा क्या होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम छोड़ दिए हो. सारे क्वेश्चन कर दिए. सारे क्वेश्चन कर दिए. एक भी नहीं छूटा. एक भी नहीं छूटा. अच्छा कितना परसेंट बन जाएगा ये बताओ इसमें, साइंस में? केवल साइंस में. साइंस में मेरा अगर 70 नंबर का पेपर है ना. हाँ. तो मेरा 65 प्लस होगा. 65 प्लस होगा. हाँ. मतलब कहीं 70 ना पहुंच जाए, मतलब पूरा. हाँ. पूरा एक एक नंबर कम हो तो. हाँ, हाँ, हाँ. चलो बहुत. हाँ, बढ़िया. इतनी गारंटी है. अच्छा अच्छा पेपर देने के पहले कैसा लग रहा था? अभी बहुत खुश हो? इतना होपलेस थे हम, बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर उसके बाद जब पेपर मिला तो बहुत खुशी हुई हमें बहुत. हाँ. क्योंकि जो हम जो पढ़े थे वही वही आया था. जो पढ़ाया गया था वही से क्वेश्चन वही से क्वेश्चन आएगा. एकदम धुआं कर देंगे उसमें, गंदा उड़ जाएगा. क्या नाम है आपका? चांदनी सोनकर. बहुत अच्छा लगा चांदनी सोनकर. बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका. और टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो टेंथ में कितना बनेगा आपका? 85 प्लस. 85 प्लस. हाँ. आपका आज कॉन्फिडेंस देखकर तो लग रहा है 90 प्लस बनेगा. 90-95. अब भगवान जाने, अब हम इतना नहीं जानते लेकिन हमको इतना आशा है कि बनेगा. बढ़िया बनेगा. अच्छा बनेगा मेरा. चलो बहुत बढ़िया है. देखिए धुआं धुआं करके पूरा एकदम धुआं कर देंगे. अच्छा क्या? हाँ. क्या नाम है आपका? आज्ञा सिंह. अच्छा कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन थे. हाँ. सारे कर दिए. हाँ. कितने बन जाएंगे परसेंटेज? CBSE बोर्ड वालों का खासकर मैं पूछ रहा हूँ. हाँ बताओ. मेरा 70 प्लस. हाँ. सारे क्वेश्चन सही है बिल्कुल? हाँ ट्राई तो किया है. आपका कैसा रहा? अच्छा गया. अच्छा रहा एकदम मस्त. कैसा रहा पेपर? सर बहुत अच्छा. तो इंग्लिश का फर्स्ट टाइम आप लोग पेपर दे रहे हो बोर्ड से तो अच्छा जा रहा है? यस सर. डर तो नहीं है? नो. अच्छा जब पेपर देने आए थे उस टाइम कैसा लग रहा था? उस टाइम एकदम हार्ट बीट लग रहा था. उस टाइम बहुत नर्वस थे लेकिन उतना नर्वस मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा. मतलब जाके पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, पहला पेपर था तो थोड़ा नर्वस तो रहेंगे है ना. yes. लेकिन पेपर देने के बाद अच्छा फील हो रहा है? यस सर बिल्कुल. मतलब बहुत अच्छा पेपर गया है? yes. कितने परसेंट आ जाएंगे ये बता दो. अच्छा मतलब प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अच्छा पेपर गया है. फैंटास्टिक. यस सर. 90% यस सर. अबव. अरे वाह. क्या नाम है आपका? मोहिनी यादव. और आपका? अंजलि मौर्य. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा है ना. कितने क्वेश्चन थे? 32 31. 32. सारे कर दिए? सारे. आपने कितने छोड़े? हम एक को नहीं छोड़े हैं पूरा. जो पढ़ाया गया था वही से क्वेश्चन आया था कि बाहर से भी आ गया था कुछ? नहीं जो पढ़ाया गया था वही आया था. पूरा अंक कितना था? 100. 70. अच्छा OMR सीट पहली बार आप लोग फील कर रहे होगे, देखे होगे है ना, तो कैसा लग रहा था? OMR सीट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? नो, ऐसी कोई बात नहीं. अच्छा था सारे मतलब सही था या? समय तो कम नहीं पड़ गया? नहीं. हाँ सारे 15 मिनट पहले ही हो गया था. 15 मिनट पहले ही हो गया था.
चलो बहुत अच्छा लगा, क्या नाम था आपका? त्रिशा सोनी। और स्नेह सोनकर। बहुत अच्छा है, आप लोग टेंथ में टॉप करो, है ना? कितना आ जाएगा वैसे परसेंटेज? 80 प्लस होगा। और आपका? मेरा भी। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसा था पेपर? अच्छा था। अच्छा अच्छा था। हाँ, पेपर पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, डर तो नहीं लग रहा था जब एग्जाम देने आए थे तब? नहीं नहीं, नहीं। सब कुछ नॉर्मल था, है ना? नॉर्मल था। आज इंग्लिश का नेक्स्ट कौन सा है पेपर है किस चीज़ का? साइंस। साइंस। क्या लगता है साइंस कैसा जाएगा? वो भी अच्छा जाएगा। वो पढ़ाया गया था वही से आ रहा है क्या बाहर से कहीं आ रहा है? नहीं नहीं, बाहर से नहीं, सिलेबस का ही था। सिलेबस से ही आ रहे हैं। क्या नाम है? आर्या। और आपका? रूपाली श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। साइंस का और बोर्ड का एग्जाम आप लोग पहली बार दे रही हैं, देने से पहले आपको कैसा फील हो रहा था और अभी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और देने के पहले कैसा लग रहा था? डर लग रहा था। डर लग रहा था। हाँ। अभी सब कुछ नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। हाँ, आपका? एक बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जो पढ़ाया गया था वहीं से सवाल आए थे या कहीं और से आए थे क्वेश्चन? वहीं पर से आए थे। वहीं से आए थे। अच्छा, कैसा है? बहुत अच्छा गया। हाँ, आप फाड़ के रख दिए पेपर। बहुत कैसा रहा पेपर? रहा मस्त। अच्छा, सारे पेपर मस्त बन रहे? हाँ, तीन होते हैं तो ये मस्त है, और इसमें कुछ नहीं समझ आया, नहीं तो आज सर मस्त। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पहले जो पढ़ाया गया था वहीं से आए थे या फिर कहीं बाहर से आए थे? नहीं, उसी बुक में से आया था। बुक से ही आया था। कितना आएगा परसेंट? अब इतना नहीं बता सकते हैं, अब आ जाएगा तब ना। अच्छा, आ जाएगा तब ना। क्या नाम है आपका? ज्योति मारा। और आपका? श्वेता मारा। आपका कैसा बना वैसे? बहुत अच्छा बना, जिसमें 50 नंबर का लिखी था जिसमें 45 नंबर आ जाएगा, और बहुविकल्पी में जो दो तीन ठो गलत हो जाए उसका तो बात ही अलग, नहीं तो उतना तो किए हैं पूरा। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कैसा रहा? सही है। बढ़िया। हाँ, पूरा कर दिए? हाँ, हाँ। लोगों का कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। जो पढ़ाया गया था वहीं से आ रहे थे? पूरा उसी में से आया था। बहुत, आप लोग इतने हाइट, मेरे से भी ज्यादा हाइट है यार। सर, उससे क्या किया जाए, हाइट है तो। क्या करना है आगे, मतलब इन फ्यूचर क्या करना है पढ़ लिख के? PCM बस इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है आपको? हमें IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Fantastic. Yes. क्या नाम है आपका? आयशा। और आपका? सुप्रिया। और यशस्वी। बहुत बढ़िया, तीनों फ्रेंड हो आप लोग हैं क्या? V4. अरे Fantastic Four. अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सेंटर आप लोग का कहीं से आया फिर इसी स्कूल से हो? सनबीम से। सनबीम से। अच्छा, सनबीम। तो क्या लगता है कितना परसेंट बन जाएगा वैसे? More than 90 से तो अभी भी आएगा। 95 है अब? Yes sir. वो बहुत बढ़िया है। पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस भी था, और थोड़ा मतलब पहली बार था तो उतना सिंपल ही था, क्योंकि हमने प्री बोर्ड दो दे डाले थे तो मतलब नॉर्मल ही था। कर रहे थे कि जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था उसी टाइप का था, टफनेस लेवल था वो मतलब लगभग सेम। पेपर नॉर्मल था? हाँ, नॉर्मल। जो पढ़ाया गया था वही आए थे? हाँ, पढ़ाया गया था उसी के अंदर से आए थे, इसका मतलब कि नॉर्मल ही था, है ना? बिल्कुल, बहुत इजी पेपर था। बहुत इजी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। थैंक यू। पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप, ये बताओ कि जब पेपर देने आ रहे थे तो डर तो नहीं था? नहीं था, ही थोड़ा था, डर था। और अभी कैसा हो रहा है? अभी एकदम ठीक। अच्छा, कितने क्वेश्चन आए थे? क्या सर? 11। कितने क्वेश्चन? 11। 11 सारे करने थे? यस सर। OMR शीट भी मिला था? हाँ सर, मिला था। हाँ, तो OMR शीट में कितने क्वेश्चन फिल करने थे, मतलब आंसर कितने थे? आंसर सर वो आपसे आर करके देता था। अच्छा, तो इंग्लिश का पेपर आप लोगों का फर्स्ट पेपर था आज, तो एकदम मस्त गया है? यस सर, गया है एकदम बढ़िया। यस सर। अच्छा, तो कितने परसेंट आ जाएंगे वैसे आप लोग ये बता दो। हालांकि हम लोग ज़्यादातर यूपी बोर्ड के अभी तक ले रहे थे, आज पहली बार CBSE बोर्ड का ले रहे हैं, कितने परसेंट आएंगे आप लोगों के? 50 प्लस रहेंगे सर। हाँ, 50 प्लस बस? नहीं सर, 90 प्लस। 90 प्लस? यस सर। हाँ, ये अच्छा है। 60 प्लस। 60 प्लस। आपका? 80 प्लस। 70 प्लस। चलिए, क्या नाम है आप लोगों का? मैं राकेश कुमार। हाँ, वही हमारा। आपका? पेपर देखे चौचक मजा आ गया, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार लिखे पेपर, बहुत इजी था, मजा आ गया। सर, CBSE बोर्ड वालों से आज पहली बार मिल रहा है और मजा भी आ रहा है। हाँ, बढ़िया पेपर था। अच्छा गया? एकदम बढ़िया पेपर, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई छूटा नहीं है। अच्छा पेपर गया है, सारे अटेम्प्ट किए हैं एकदम, और बिल्कुल सही है। पेपर इजी था, हार्ड नहीं था। हाँ, एकदम करने लायक था, सभी लोग पास हो जाएंगे, भगवान की दया रहे। चलो अच्छा है। कितना परसेंट बन जाएगा वैसे? परसेंटेज इंग्लिश अबाउट परसेंटेज 85 प्लस। 85 प्लस। यस यस। चलो बहुत अच्छा है। कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया रहा। देखो कितना बाबू, एकदम रसगुल्ले जैसे लग रहे हो। ऐसा हम लोग सोचे थे कि हार्ड रहेगा, बट वैसा था नहीं, बिल्कुल हलवा था। हलवा था? हलवा। हाँ, था एकदम धुआं धुआं करके आया। धुआं धुआं। तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? सनी सिंह। चलो बहुत बढ़िया सनी। जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।